अल्लाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे क्रिएटिवन के तरफ से हम लोग अक्सर अपनी सूरत को टोसते रहते हैं कि काश में उनकी तरह गोरा और खूबसूरत होते। हम अपने सूरत को सुंदर करने में लगातार कोशिश करते रहते हैं। क्या आप लोग ये पता है कि कौन है दुनिया की डायरी में सबसे बदसूरत शख्स और उसका इतिहास क्या है, वो कौन है? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे पूरा डिटेल से। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन को टच करिए और लाइक दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सी राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी राज्य की खबर पहले आपके फ़ोन में पाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको आगे खबर यानी कि जानकारी के बारे में कि कौन है दुनिया की सबसे बहुत यानी कि औरत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में एक औरत ऐसी महिला होती है जिस पर विज्ञान उतना मेहरबान नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बदसूरत महिला होना क्या होता है, जानना है तो लीजी वेलक्स केज से मिलिए। खूबसूरत कह जाने पर आप उछल पड़ते हैं, दूसरे खूबसूरत लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके चेहरे देखना चाहते हैं। सुंदरता को लेकर एक किस का रोमांच और जिज्ञासा हमारे भीतर रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के किसी भी कोने में एक औरत ऐसे भी रहते हैं जिस पर विज्ञान उतना मेहरबान नहीं है? दुनिया का सबसे बदसूरत महिला होना क्या होता है, वो है लिजी वेलास्केज, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। लिजी का नया नक्श से आप प्रभावित नहीं होंगे, असहज भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप जानेंगे कि इस निष्ठुर समाज में किस जिबड़ता के साथ उन्होंने अपने हिस्से की जगह बनाई, तब का सिर उनके सम्मान में झुक जाएगा। लिजी धरती पर उन तीनों लोगों में शामिल है जो असामान्य नेगेटिव जेनेटिक विकार के साथ पैदा हुए और इस वजह से उनका वजन कभी कमी नहीं बढ़ी नहीं सॉरी लिजी का वजन कभी भी 62 पाउंड यानी कि 28.12 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं। इतना ही नहीं, इस जन्म से ही लिजी की दाएं आंख बेकार है। लिजी जब हाई स्कूल जूनियर ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, यूट्यूब पर उन्हें खुद का एक वीडियो मिला जिसका टाइटल था दुनिया की सबसे बदसूरत महिला। दुर्भाग्य से इस वीडियो को अब तक 40 लाख हिट मिल चुके हैं। वेबसाइट क्लस डेली के मुताबिक लिजी के माता पिता ने यूट्यूब से वीडियो हटवाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अपलोड करने वाले अनजान शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद लिजी के शरीर में गुस्सा, निराश और डिप्रेशन आपको ढूंढने लगे। उन्होंने हाई स्कूल के फ्रेशर्स को अपनी दुर्लभ डिसऑर्डर के बारे में समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने चिढ़ाने वालों को अब सामने आकर करने की चैलेंज किया बात कहने के लिए। इसके बाद लिजी वेलास्केज को कई टीवी प्रोग्राम में बुलाया। उन्होंने 3 किताब भी लिख दी हैं, जिनमें से एक का नाम है बी ब्यूटीफुल बी यू। लिजी के माता पिता कैथलिक चर्च में ही पैदा हुए और चर्च के लिए ही काम किया, इसलिए लिजी की भी यीशु में गहरी आस्था है। वैसे कहती हैं कि जब मैं अकेला होता हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि मेरी मदद के लिए वे हमेशा मौजूद हैं। लीजिए कि इस साल अपनी कहानी वहाँ बयां करने के लिए एक जगह ट्रेवल करने की योजना है। वे कहती हैं सबसे बुरे दौर में भी जब लगाता है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी, अगर आपके पास आस्था की ताकत है तो कोशिश करने के आप हर चीज़ से पार पा सकते हैं। तो और ज़्यादा जानने के लिए हमारे द क्रिएटिवन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आगे इस महिला के बारे में एक फिल्म की रचना की तैयारी की जा रही है। यदि इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए तो हम आपके फ़ोन में पहले ही इस खबर को डाल देंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हुआ।